गाइस आज हम लोग जिस फोन की अनबॉक्सिंग करेंगे वो है रियलमी की तरफ से रियलमी का C35 जो कि बहुत ही क्रेजी डिजाइन के साथ आता है। देखा जिसमें आपको एक आईफोन का लुक भी देखने को मिलता है एंड काफी ज्यादा इंडिया में इसकी डिमांड है। जैसा कि बॉक्स देख सकते हैं रियलमी C35 की येलो येलो आपको बॉक्स देखने को मिलता है जो कि रियलमी की तरफ से आता है एंड आपको पीछे कुछ इसी फोन के हाईलाइट फीचर दिए गए हैं एंड आगे मैं सारी फीचर्स की बता दूंगा। चलिए फटाफट बॉक्स कर लेते हैं ओपन। बॉक्स अंदर मिलता है हमें सेक्शन, इसको रखते हैं साइड में एंड ये रखा हमारा फोन अपने प्रोटेक्शन के साथ में। साथ ही हमें मिलता है एक 18 वाट का चार्जर इसी फोन को चार्ज करने में। एक आपको टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है जो इसी फोन को ज्यादा चार्ज करने में मदद करेगा। देखा जो टाइप सी केबल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलिए इन सबको रखते हैं साइड में, हम बढ़ते अपने फोन की फर्स्ट लुक की तरफ। इसको भी रखते हैं साइड में एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे पहले लुक में बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी खासी लगी एंड आपको एक ग्लोइंग ग्रीन का डिजाइन देखने को मिलता है। कलर में आपको ग्लोइंग ग्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड देखा जी ये कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। साथ ही इसका जो आपको चौकोर बेजल देखने को मिलते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे हैं। साथ ही जो बैक है डिजाइन वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा लगा है। इसका कैमरा डिजाइन भी बहुत ही तगड़ा देखने में लग रहा है एंड आपको एक अलग सा ही लुक देखने को मिलता है। देखा जाए तो आपको सेम आईफोन की कॉपी देखने में लगती है पीछे की तरफ से एंड फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास थर्ड की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। प्रोटेक्शन की बात की तो प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी है एंड काफी अच्छा खासा डिस्प्ले एंड डिजाइन बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी खासी है। साथ ही जो उसका फ्रेम है वो भी बहुत अच्छा खासा प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलता है एंड पीछे आपको एक ग्लास बैक का फ्रेम देखने को मिलता है जो कि आपको साइनिंग बैक के साथ आता है। कैमरा लेआउट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट फोन कर लेते हैं हम लोग बूट। दोस्तों फोन हो गया हमारा बूट एंड फोन की फर्स्ट लुक की बात कीजिए, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इसकी तगड़ी देखने में लग रही है एंड साथ ही जो इसके बेजल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा इसके छोटे बेजल्स देखने में लग रहे हैं। डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा शार्प दिख रही है एंड डिस्प्ले साइज की बात की जिसमें आपको 6.56 इंचेस की एक आपको आईपीएस एलईडी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। ब्राइटनेस लेवल थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए थी, यहाँ से अप टू दिख रहा था तो 600 निट्स तक आपको ब्राइटनेस सपोर्ट देखनी चाहिए थी जो कि आउटडोर में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल करेगा एंड देखा जाए तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा खासा भी रेवोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है। 1080p का आपको रेवोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है और इसमें आपको 60 हर्ट्ज का एक स्मूथ पैनल देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करिए तो बहुत ही अच्छी खासी एंड काफी आपको शार्प एंड क्लियरिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड दोस्तों अगर इसके कैमरे की बात की जो कैमरा डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एंड कैमरा क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी खासी होती है रियलमी की। एंड कैमरा सेंसर की बात की जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस आपको 0.2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है। अगर फ्रंट में देखा जाए तो फ्रंट में आपको एक 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट इसी फोन से कुछ फोटोज कैप्चर करते हैं एंड देन जैसा कि गाइस देख सकते हैं जो फोन का फोटो है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको रियल कैमरे से देखने को मिलता है एंड जो 50 मेगापिक्सल कैमरा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा है। मेरे ओपिनियन से कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ ही इसमें आपको पोर्ट्रेट भी अच्छी खासी देखने को मिलती है एंड मोर में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 720p 1080p आपको 30 fps की एक रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे 60 fps होता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। रियर कैमरा का कैमरा मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा। फ्रंट कैमरा में जो 8 मेगापिक्सल का है वो भी एक ठीक ही ठाक कैमरा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा आपको हाई कैमरा देखने को नहीं मिलता, एक नॉर्मल आपको कैमरा देखने को मिलता है जो कि आपको स्क्रीन टोन को हल्का फुल्का मेंटेन कर लेगा एंड काफी अच्छी आपको सेल्फी प्रोवाइड करेगा। देखा जाए तो फ्रंट कैमरा भी बहुत ही एवरेज देखने को मिलता है। इसके प्रोसेसर की बात की जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ मीडियाटेक का यूनिसॉक टाइगर T6112 लगा जो कि आपको 12 मीटर प्रोसेसर आता है। पहली बात बता दो ये प्रोसेसर बहुत ही अजीब सा है एंड देखा जाए तो बहुत ही ओल्ड प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि आपको 12 नैनोमीटर पे आता है। अब के प्रोसेसर यहाँ पे आपको 6 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर अब के 8 नैनोमीटर तक भी देखने को मिल जाते हैं बट ये बहुत ही ज्यादा पुराना है एंड प्रोसेसर क्वालिटी उसकी काफी ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिलती है। ऑक्टा कोर के साथ ये प्रोसेसर आता है एंड अगर जीपीयू की बात की जाए तो मान लीजिए G57 का एक आपको चिपसेट भी देखने को मिलता है। रिसेंट आप इसमें गेमिंग का एक्सपीरियंस कर पाएंगे, पबजी जैसे गेमिंग आप 30 एफपीएस खेल पाएंगे। देखा जाए तो मुझे प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छा नहीं लगा एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही डाउन प्रोसेसर का यूज किया गया। एंड्रॉइड में आपको 11 का देखने को मिलता है, रियलमी 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। प्रोसेसर बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बेकार लगी इसी फोन के एंड प्रोसेसर इनको यहाँ पे ये यूज नहीं करना चाहिए था। बैटरी इन्फॉर्मेशन में देखा जाए तो आपको 5000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि आपको 18 वाट का चार्जर सपोर्ट करती है, बहुत ही ठीक ठाक है। देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से भी तो देखा जाए तो ठीक ही ठाक है, आपको एक 18 वाट का चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है। एमएटी फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है एंड साथ ही इसमें आपको एक फेस लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके नोटिफिकेशन बार की देखें तो वो भी आपको बहुत ही अच्छे खासे से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एंड होम स्टॉक भी बहुत ज्यादा आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। लास्ट मेरे ओपिनियन से एंड प्राइस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये 11.5 हज़ार के अंदर आपको देखने को मिलता है। साथ ही आपको दो ही कलर का ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ग्लोइंग ग्रीन एंड आपको ब्लैक देखने को मिलता है। ये कलर आपको ग्लोइंग ग्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से फोन ठीक ही ठाक है एंड डिसेंट आपको एक प्रोसेसर देखने को मिलता है, अच्छी खासी लुक के साथ आता है एंड डिजाइन बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी खासी है। अगर एक आप नॉर्मल सा यूज फोन देखना चाहते हो तो इस फोन का बाय कर सकते हैं एंड पता नहीं क्यों ये इंडिया में बहुत ज्यादा इस फोन की डिमांड है क्योंकि इसका फोन आईफोन की तरह लुक देता है एंड काफी लुक में तो मुझे बहुत ज्यादा इसकी अच्छी लगी है एंड थोड़ा सा प्रोसेसर पर काम करते तो फोन और ही ज्यादा अपग्रेड हो जाता है एंड काफी अच्छा खासा यूज मोड में चला जाता है। मेरे हिसाब से फोन ठीक ही ठाक है, अगर आपको ये बाय करना तो आप डेफिनेटली इस फोन को बाय कर सकते हैं। तब के मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।